बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष राजेश राय ने आज अपना जन्मदिन सामाजिक उपक्रमों के साथ मनाया। सानपाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदी भाषा नेता राजेश राय ने केक काटा, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बधाइयां स्वीकार की। इस अवसर पर कन्याओं को कन्या समृद्धि योजना का लाभ और 3 महिलाओं को जया फाउंडेशन की ओर से सिलाई मशीन भी वितरित की गई। देखिए रिपोर्ट। हिंदी भाषियों की आवाज़ बनकर उभरे बीजेपी उत्तर भारतीय सेल के नवी मुंबई जिलाध्यक्ष राजेश राय ने आज सानपाड़ा में अपना जन्मदिन मनाया। हिंदी भाषी नेता ने यहां अपने परिजनों और शुभचिंतकों के बीच की काटा और सबकी शुभकामनाएं स्वीकार की। उन्हें हिंदी भाषी समाज के तमाम दिग्गजों, बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पुष्पगुच्छ देकर जन्मदिन की शुभेच्छा दी। इस अवसर पर सैकड़ों कन्याओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक खाते खोल कर दिए गए। यहां जया अलीम चंदानी फाउंडेशन के सौजन्य से 3 महिलाओं को सिलाई मशीन का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के नवी मुंबई जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, महामंत्री सतीश निकम, महिला जिलाध्यक्षा दुर्गा घोट, युवा नेता पांडुरंग आमले, जिला उपाध्यक्ष जगन्नाथ जगताप, बीजेपी यूपी सेल के जिलाध्यक्ष मार्कंडे केवठरियोम, युवती मोर्चा की जिलाध्यक्षा सुहासिनी नायडू समेत तमाम पदाधिकारियों और समर्थकों ने उनका सत्कार किया और शुभेच्छा के फूल बरसाए। इस अवसर पर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रांग करने का जिला उठाया है तो उनकी आदत है, हर एक से पिछले लोगों को ऐसे घटनाओं को हर टाइम मदद करते हैं। मोस्टली ये ज़्यादातर महिलाओं को जो अपने इस काम में व्यतीत होते हुए भी महिलाओं को मदद करते हैं, बहुत अच्छा काम इस दी बॉम्बे में राजेश राय जी कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा इतने लोग हैं, ये ऐसा दिखता है कि इनकी सेविंग जो है ना, वो पैसे की सेविंग नहीं है, उनके साथ लोगों की सेविंग है। और ऐसे जो पब्लिक के साथ रहते खेलते उठते हैं, वही आदमी आगे जाके राजनीति में अच्छी तरक्की दिखा सकता है, कोई दिखाने का पात्र होता है, और उन्होंने ये दिखाया है। और एक ऐसे आदमी का जन्मदिन है और जन्मदिन का उसका बड़ा बधाई। राजेश जी बहुत ही सक्रिय और सहृदय कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं को जोड़ना, उनको साथ में लेके संगठन खड़ी करना, इस प्रकार का काम वो निरंतर करते आए हैं। आज जन्मदिन के मौके पर उन्होंने बच्चियों को सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उनका रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने एक अच्छा संकल्प किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों का इस योजना में पंजीकरण हो। तो अपने जन्मदिन पर इस प्रकार का सेवा कार्य उठाना, ये इसके लिए बहुत बड़ा दिल लगता है और वो राजेश जी ने दिखाया है। श्री राजेश राय जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज उन्होंने बेरोजगार के लिए सिलाई मशीन और उत्तर भारतीय समाज के लिए बहुत सारा उन्होंने योगदान किया है, इसलिए उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सिलाई का जो मशीन है वो भी बचत गट की तरफ से उन्होंने डोनेट किया है महिलाओं के लिए। इतना अच्छा काम राजेश राय जी हमारे यहाँ पे कर रहे हैं, उनको मैं शुभेच्छा दूँगी उनके अच्छे कार्य के लिए। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। राजेश जी राय, इनका जन्मदिन
आज बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी कारण से सभी जगह से लोग कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी लोग सब लोग आ रहे हैं और ये प्यारी है उनके प्रति सबका जो प्यार है क्योंकि उनका मार्गदर्शन हमारे जैसे नए युवा पीढ़ी के जो भी कार्यकर्ता है उनको हमेशा मिलता है और मिलता भी रहेगा और इसी प्यार के प्रति हम भी हमारे पूरे कार्यकर्ता के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। वहीं अपने जन्मदिन पर हजारों समर्थकों कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं की शुभकामना पाकर भावुक हुए उत्तर भारतीय मोर्चा के नई मुंबई जिला अध्यक्ष राजेश राय ने सबके प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह बीजेपी नेताओं और समर्थकों का प्यार और सम्मान मिला है वह जनता के लिए आगे काम करने के लिए प्रेरणादायी है। नई मुंबई भारतीय जनता पार्टी पूरे सभी वरिष्ठ अपने नेता लोगों का और सभी कार्यकर्ता मित्रों का सभी लोगों का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। खास करकर आज जिस तरह से महिला टीम ने बेसिक महिला हो चाहे अपना उत्तर भारतीय मोर्चा की महिला टीम हो चाहे सानपाड़ा मंडल की हो जिस तरह से आज आकर उन लोगों ने सुकन्या समृद्धि योजना को सफल बनाया मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इस योजना में जया फाउंडेशन से जया अलीम चंदानी जी ने भी इन लोगों को सिलाई मशीन दिए एक प्रोत्साहन कि जिनको रोजगार की जरूरत है उनको आगे चलकर और भी कैसे रोजगार हो इस विषय में ध्यान में रखकर हम लोग ने वो बांटा। इसकी सेल के अपना हरिओम जी हों हमारे जिला अध्यक्ष घर साहब हों सतीश निकम जी हों विक्रम पराजुली जी हों या महिला मंडल में दुर्गा मैम जयश्री चित्रे मैम सभी लोग मतलब ये करके सभी लोग ने बहुत सहयोग किया। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।